अब जो बड़ी अहम बात, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? देखो, आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड्स होते हैं, और जब सॉलिड्स होंगे तो अंडरस्टूड बात है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। फिर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं, रिएक्शन चुनाचा इनके होते हैं फास्ट। ये बनाते हैं आइसो मॉर्फिज्म, और नहीं बनाते आइसो मेरिज्म। ठीक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात। अब ये आइसो मॉर्फिज्म भाई देखो ना, NaCl और MgO दो डिफरेंट सब्सटेंस हैं, सेम शेप है। क्या शेप है? क्यूबिकल शेप है दोनों की। ओके भाई, और क्या क्या बातें हो सकती हैं? देखो, ये चीज़ होती है सॉल्युबिलिटी के लिहाज से, सॉल्युबल होते हैं ये वाटर में। तो अगर वाटर में सॉल्युबल हैं तो इनसॉल्युबल किस में? इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके बच्चों, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये किसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं? आयनिक कंपाउंड्स की। नोट डाउन कर लीजिएगा।